नमस्ते। मीन राशि वालों के लिए जून के महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या परिणाम आएगा, इनके पूरी हर एक सेक्टर पे इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए मैंने शॉर्ट में एक कैलकुलेशन की है। देखिए, जून के महीने में दो ग्रहण होने जा रहे हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण रहेगा जो कि मिथुन राशि में होगा, और 5 जून को वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण होगा। तो ये आपके लिए क्या परिणाम लाएगा? छह छह ग्रह भी इस महीने में वक्री स्थिति में है और कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो है 14 जून को वृषभ को छोड़कर के मिथुन में जाएंगे, जहाँ पे पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, और वहीं पे शुक्र ग्रह भी 18 जून को आ जाएंगे। 18 जून को बुध जो ग्रह है वो वक्री हो जाएगा, शुक्र जो है 25 जून को वापस मार्गी हो जाएंगे। तो ये सारी ग्रहों की स्थिति है। तो मीन राशि के लिए इस ग्रह का परिणाम रहेगा, ये मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। देखिए, अभी क्या है कि प्रेजेंट में जो अभी ग्रहों की स्थिति है मीन राशि के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, आपका जो लग्नेश गुरु है वो बैठा हुआ है एकादश भाव में, लाभ के भाव में। तो आपकी खुद की जो स्थिति है वो काफी अच्छी स्थिति में है, तो वहां पे कोई चिंता की चीज जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो आपका लाभ हस्तान का वाले शनि है वो भी वहीं पे मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है वक्री स्थिति में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप ये जान लें कि आप खुद अभी मजबूती की स्थिति में हैं, तो जो भी चीजें आएंगी उनको आप बहुत इजीली फेस कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत आपके लिए नहीं होगी। और प्रेजेंट में जो भी आपके शुक्र और सूर्य हैं, ये आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो थर्ड हाउस में भी जो आपका टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ में ही चल रहा है। कोई बहुत कंफर्टेबल स्थिति तो नहीं है, लेकिन लग्नेश स्ट्रांग पोजिशन में है, तो चीजें आप बहुत अच्छे से हैंडल कर ले रहे हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि जब 14 जून को सूर्य आपके मिथुन राशि में फोर्थ हाउस में एंटर करेंगे, और वहां वहीं पे लग्न की स्थिति निर्मित होगी जो कि 21 जून को होगी, जब सूर्य राहु के साथ में बहुत ही क्लोज डिग्री पे आ जाएंगे, 4-5 से लेकर के करीब 6 डिग्री के बीच में जब आएंगे, तो वहां पे ग्रहण का निर्माण होगा। तो आपको इस पीरियड में करना क्या है कि करीब 16-17 जून से लेकर के 27-28 जून का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस पीरियड में आप विशेष रूप से अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा बना के रखिएगा, अपने माता के स्वास्थ्य को बहुत ही केयरफुली, बहुत समझदारी, मतलब बहुत अपने माता का बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पहले से ही राहु बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और यहीं पे सूर्य और शुक्र भी आएंगे, और यहीं पे ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी। तो किसी भी तरह का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो भूमि भवन वाहन किसी भी चीज से संबंधित हो, उस इन्वेस्टमेंट को भी आप रोक करके रखिएगा पूरे पूरे 1 महीने तक, 14 जुलाई तक। इस ओर अभी आप बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट को साइड में रखिएगा, होल्ड पे रखिएगा। और साथ में आपको जो आपके माता का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा इस पीरियड में। और चूंकि हो सकता है कि जो आपके मामा पक्ष वगैरह हैं उधर से भी आपको कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बाकी जो प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं वो भी ठीक स्थिति में बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल जो है भी आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, भाग्यश और द्वादशेश होकर के, भाग्यश और धनेश होकर के मंगल की स्थिति भी 18 जून तक का जो टाइम पीरियड है आपका वो ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है। लेकिन 18 जून के बाद जब आपके मंगल लगन में आ जाएंगे, तो वहां से जो लेकर के 45 दिन का पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग बन जाएगा। जब आपका धनेश और भाग्यश जब आपके लगन में आके बैठेंगे, तो वो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेके आएगा। 45 दिन का जो समय रहेगा वहां पे आपके लिए पिता से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित कोई हायर एजुकेशन वगैरह है, तो वहां से आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आप 18 जून से लेकर के पूरा जुलाई लास्ट तक का जो 45 दिन का समय है, उस पीरियड का बहुत अच्छे से भरपूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आपको गोचर का सपोर्ट उस समय पर मिलेगा। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है अभी, वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे रखना है, मदर का बहुत ज्यादा केयर करना है, अपने घर का इंटरनल एटमोसफेयर जो है उसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है, वो जरा भी नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, इसका आपको बराबर ध्यान रखना है। और साथ में आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका बिजनेस वाला स्थान है, जो भी आपका जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, उन चीजों को भी आपको संभाल के चलना है। ये पीरियड आपका लगभग लग रहा है 10 दिन, विशेष रूप से करीब
16-17 जून से लेकर 26-27 जून तक का जो पीरियड रहेगा, उस समय पे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन दीजिएगा। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप पूरा का पूरा जो 14 जुलाई तक का टाइम है वो अपने घर का जो सुख है आपका वो, और साथ में जो आपका कार्यस्थल है उस ओर आप विशेष रूप से अलर्ट रहिएगा, वहां चीजें आपकी नहीं बिगड़नी चाहिए, इसका पूरा प्रयास करिएगा। और 18 जून के बाद आपके भाग्य और धन की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू होगा, तो उस पीरियड का आप 45 दिन के लिए भरपूर लाभ लीजिएगा। तो मीन लगन और राशि वालों के लिए इसमें जो सबसे अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है वो उनके भाग्य और उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उसका उनको 45 दिन पूरा सहयोग मिलेगा। सिर्फ उनको 10-15 दिन का विशेष रूप से ध्यान जो रखना है अपने कार्य क्षेत्र को और अपने घर के इंटरनल वातावरण को, विशेष रूप से माता को, खुद के स्वास्थ्य को, क्योंकि हो सकता है कि इस पीरियड में आपकी माता को किसी भी तरह का, माता से संबंधित आपको कोई ना कोई या मामा पोते से संबंधित कुछ चीजें हो सकता है आपके सामने निकल के आए जो कि आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ में रहिएगा। और बाकी चीजें जो आपकी रहेंगी वो लगभग लगभग ठीक ही है। तो इस तरीके से मैं मीन राशि और लग्न वालों के लिए ये कहना चाहूंगी कि जो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए ओवरऑल जो आपको ध्यान देना है वो अपने कार्य क्षेत्र और माता के लिए, और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अभी आप मत करिएगा जून के महीने में पूरा 14 जून तक, और इसके बाद जो है 18 जून से लेकर के जुलाई लास्ट तक का जो टाइम है आप उसका पूरा यूज करिए अपने हर एक तरह के कार्यों को पूरा करने में। आशा करती हूँ आपको ये सूर्य और चंद्र का जो ग्रहण है आपके लिए कैफियत लेके आ रहा है। ग्रहण जो चंद्रमा का है वो आपके भाग्य स्थान और तृतीय स्थान के बीच में पड़ेगा, लेकिन वो इतना माइनर सा ग्रहण है चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है 5 जून का, तो उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला है, इसलिए उस ओर से इसलिए चंद्र ग्रहण के लिए आपको विशेष रूप से जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सा, बड़ा अगर कोई ऐसा उसमें विशेष कोई परिणाम या कोई प्रभाव देता तो मैं उसके बारे में आपको अलग से बताती। तो आशा करती हूँ कि आपको एक हेल्प मिलेगी, एक आपको गाइड का काम करेगा कि जो सूर्य और चंद्र ग्रहण आ रहा है जून के महीने में आपके लिए ओवरऑल किस तरीके से परिणाम देने वाला साबित होगा। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय, नमस्ते।